काफी सारे मेरे पास क्लाइंट आते हैं, मेरे से बोलते हैं, सर मैं जब से E20 वाला पेट्रोल डलवा रहा हूँ ना अपनी गाड़ी में, जब से मेरी गाड़ी का जो माइलेज है वो बहुत ज्यादा घट गया है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत ज्यादा लोग तो कंफ्यूज होकर परेशान हो जाते हैं और ढूंढते हैं कि भाई E20 वाला पेट्रोल ना मिले, नॉर्मल पेट्रोल मिले जो पहले मिलता था, वो वाला पेट्रोल पंप कहाँ है, ऐसा ढूंढते रहता, सर्च करते रहता है। आज भी एक क्लाइंट आता मेरे पास सर्च करने के लिए बोल रहा था, तो मैंने उसको समझाया भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल के इंजन की ट्यूनिंग और सेटिंग और सही तरीके से सेंसर वर्क नहीं करेंगे अच्छे से। देखो इस चीज़ को मैं एग्री करता हूँ कि कस्टमर जो है अपनी अपनी जगह ठीक है, अपनी जगह बिल्कुल एग्री है, क्योंकि अगर उसकी गाड़ी के माइलेज में दिक्कत आएगी तो कॉमन सी बात है वो परेशान होगा और उसके मन में डाउट आएगा यार मेरी गाड़ी की आज माइलेज में दिक्कत आ रही है, कल को मेरी गाड़ी का फ्यूल पंप जो है वो खराब ना हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती हैं, तो इनके बारे में डिटेल से समझने वाले हैं वीडियो के अंदर, पूरा डिटेल से समझते हैं कंप्लीटली माइलेज की परेशानी क्यों आती है, कैसे ऐसे सॉल्व किया जाए, चाहे BS6 गाड़ी हो चाहे BS4 गाड़ी हो। अगर किसी भी मोटरसाइकिल BS6 की बात की जाए, BS6 गाड़ी है, आप पेट्रोल पंप गए, आपने पेट्रोल डलवाया और उसके बाद से आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो कम हो गई और आपको पहले जो माइलेज मिल रही थी वो बिल्कुल बढ़िया मिल रही थी, तो ये बहुत बड़ा आपके मन में मिसकन्फ्यूजन है। वो क्यों? क्योंकि अगर मोटरसाइकिल में जो पेट्रोल डलवा रहे हो आप, अगर वाकई में वो पेट्रोल में कमी है, दिक्कत है, परेशानी है, तो आप एक स्पार्क प्लग की मदद से पता लगा सकते हो। अगर आपको लग रहा है स्पार्क प्लग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा व्हाइट कलर का कचरा जमा हुआ है, तो कह सकते हैं कि हाँ यार आपकी जो गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है, कहीं ना कहीं मिक्सअप है। पर अगर आपको लग रहा है कि वो पेट्रोल जो प्लग है, स्पार्क प्लग है, वो बहुत ही ज़्यादा काला है और ड्राई है, ड्राई यानी कि सूखा है और काला है, तो इसका मतलब आपकी गाड़ी का पेट्रोल में दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी के इंजन में दिक्कत है या फिर ट्यूनिंग में दिक्कत है। अब इंजन में या ट्यूनिंग में क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर हमारी मोटरसाइकिल के वॉल्व टाइट होंगे, बहुत ज़्यादा मात्रा में टाइट होंगे, जैसे हम टैपेट की भाषा को समझते हैं, अगर टाइट होंगे तो आपकी गाड़ी की माइलेज बहुत ही कम हो जाएगी, उस सिचुएशन में गाड़ी में स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आएगी और गाड़ी में खिंचाव बनेगा और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं भगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर गाड़ी भाग नहीं रही है। उस सिचुएशन में आप मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक क्या करेगा, वॉल टाइट कर देगा और आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग वापस से वैसी ही स्टेबल हो जाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। अब यहाँ पर वॉल टाइट होने से ये दिक्कत तो आई, पर वॉल टाइट हम सही करा लिए वॉल हमने, उसके बाद भी दिक्कत आ रही है, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको भी समझना सब बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अगर बाइक BS6 है, जैसे कि अभी ज़्यादातर गाड़ी BS6 ही आ रही हैं, तो उनमें कुछ चीज़ें चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हमारी गाड़ी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेंसर। जब भी हमारी मोटरसाइकिल में ट्यूनिंग में आउट होता है कुछ पॉइंट टाइम और कुछ ओवर रेस की प्रॉब्लम आती है, स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है और सबसे बड़ी बात चौक की प्रॉब्लम आती है, क्योंकि चौक ऑटोमेटिक होते हैं, आपको पता ही होगा जितनी BS6 गाड़ी आ रही है ऑटोमेटिक चौक सबसे ज़्यादा सेंसर पे वर्क करते हैं और जो सेंसर गाड़ी में लगे होते हैं उसके अलावा और भी सेंसर जो होते हैं, O2 सेंसर, टेम्परेचर सेंसर और भी छोटे मोटे सेंसर होते हैं, मैप सेंसर वगैरह, इनमें अगर गंदगी आएगी, डस्ट आएगा, तो भी आपकी गाड़ी में माइलेज की परेशानी आएगी। आप रिलेट करोगे पेट्रोल से, क्या दिक्कत आती है बता देता हूँ। मान लो इंजन में टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है आपकी गाड़ी के, टेम्परेचर सेंसर बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया है, गंदगी आ गई है। देखो सबसे पहले तो टेम्परेचर सेंसर जो सिलेंडर गेट में लगता है ना, अगर गाड़ी रोड पे चलती है तो गाड़ी हीट होती है, तो टेम्परेचर सेंसर और जो गाड़ी के सिलेंडर गेट है उन दोनों के बीच में जो गैप होता है, उस गैप में पानी यानी भाप बन जाती है और मॉइस्चर मतलब एक तरीके से आ जाता है, जिसकी वजह से जो सेंसर की कनेक्टिविटी होती है वो सही से नहीं हो पाती, ECM को गलत सिग्नल मिलता है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी का इंजेक्टर पेट्रोल ज़्यादा सप्लाई या फिर कम सप्लाई करता रहता है और आपकी गाड़ी में माइलेज की समस्या प्रकट हो जाती है एकदम से, अचानक से एकदम आ जाती है। अब तो ये तो हो गई हमारी टेम्परेचर सेंसर की बात, हमने टेम्परेचर सेंसर करा लिया एकदम क्लीन, अब क्या बचा, O2 सेंसर, ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर। अगर आपको लगता है आपकी गाड़ी में ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर आज तक कभी आपने साफ नहीं कराया, आप उसे क्लीन करा दें। ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर का काम होता है साइलेंसर से कितना ज़्यादा कार्बन निकल रहा है। कार्बन ज़्यादा कब निकलता है, या तो पेट्रोल बहुत ज़्यादा मात्रा में हो रहा हो, पेट्रोल ज़्यादा मात्रा में मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, मान के चलो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर जस्ट ब्लास्ट हो रहा है, अब उस ब्लास्ट में हमने पेट्रोल की मात्रा ज़्यादा रख दी, तो क्या होगा, उस आग की जो करंट सप्लाई है ना उसके अंदर बहुत ही उतनी है, मतलब कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, उतनी है, पर हमने पेट्रोल सप्लाई ज़्यादा रख दी, तो यहाँ क्या होगा, पेट्रोल प्रॉपर तरीके से बर्न नहीं होगा और आपकी गाड़ी में जो कार्बन होता है वो ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब जब ज़्यादा कार्बन बनेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर पे कार्बन जमता चले जाएगा, जिसकी वजह से उसकी कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी और बहुत ही कम हो जाएगी और आपकी गाड़ी में ECM को सिग्नल मिलेगा और वो यही काम करता है। ECM क्या करता है, आपकी गाड़ी के इंजेक्टर को, जो इंजेक्टर होता है उसको संकेत देता है, भाई पेट्रोल इतना भेजना है, इतना नहीं भेजना, इतना भेजना, इतना नहीं भेजना, इतने टाइम में भेजना, इतने टाइम में नहीं भेजना, इतने सेकंड में भेजना, इतने सेकंड में नहीं भेजना। ये जो प्रोसेस होता है ना सारा सेंसर पर ही टिका होता है, सेंसर को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब हमने ऑक्सीजन टेम्परेचर सेंसर सही कर दिया, हमने टैपेट सेट कर दिया गाड़ी के बिल्कुल परफेक्ट वे में और हमने उस गाड़ी का टेम्परेचर सेंसर भी ठीक कर दिया। अब यहाँ पे क्या बात आती है, हमारी गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी, थ्रॉटल बॉडी के अंदर भी कुछ ऐसे पर्टिकुलर सेंसर होते हैं, मैप सेंसर होता है, थ्रॉटल पोजीशन सेंसर होता है, तो ये छोटे छोटे से सेंसर होते हैं, इनको भी चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। अभी एक वीक पहले मेरे पास एक बाइक आई थी जिसका सेंसर का जो वायर था वो लूज़ था,
जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, गाड़ी में मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और वो परेशान हो गया था प्लग को चेंज करा करा के। पर एक्चुअल में उसके अंदर जो परेशानी थी, अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपकी मोटरसाइकिल में कोई सेंसर का कपलर सही तरीके से लूज़ या फिट नहीं होगा, एक तरीके से फिट नहीं होगा, तो आपकी गाड़ी में प्लग काला निकलेगा, बहुत ज़्यादा काला निकलेगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी ब्लास्ट हो रहा है, कभी कभी नहीं हो रहा। सिलेंडर जो सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, उस पिस्टन में कभी कभी ब्लास्ट होगा और कभी कभी ब्लास्ट नहीं होगा। जैसे ही वो कपलर लूज़ होगा ब्लास्ट नहीं होगा, जैसे ही वो कपलर टाइट हो जाएगा ब्लास्ट हो जाएगा। अब जब वो नहीं हुआ तो पेट्रोल तो आया ना, और जब वो हो गया तो पेट्रोल ज़्यादा चले गया, जिस चक्कर में प्लग काला हो जाएगा और आपकी गाड़ी मिसिंग की प्रॉब्लम के साथ साथ माइलेज की प्रॉब्लम भी देखने को आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आपको थ्रॉटल बॉडी क्लीन कराना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। थ्रॉटल बॉडी आप पेट्रोल से साफ मत कराना, पेट्रोल से साफ कराने से आपकी गाड़ी के थ्रॉटल बॉडी में जो सेंसर लगे होते हैं वो डैमेज होने के चांसेस 90% बढ़ जाते हैं। रीज़न, क्योंकि जो सेंसर होते हैं ना उसके अंदर रबड़ की ओरिंग लगी होती है, रबड़ की जो रिंगे होती हैं, छोटी छोटी रिंगे जो होती है ना, वो पेट्रोल की सप्लाई की वजह से, पेट्रोल के स्पार्क आने की वजह से आपकी गाड़ी की जो ओरिंग है वो बहुत ज़्यादा फूल जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, और आपकी गाड़ी में जो एक प्रॉपर वे होना चाहिए फिटिंग का वो नहीं आएगा, लूज़ फिटिंग का वे आएगा। उसके बाद क्या होगा, आपको वही सेम प्रॉब्लम देखने को मिलेगी और ज़्यादा मात्रा में। तो ये चीज़ सही होनी चाहिए परफेक्ट वे में। अच्छा एक बात और बताना चाहूँगा मैं छोटी सी, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थ्रॉटल बॉडी भी ओके हो गई, इंजन भी ओके हो गया, सेंसर भी ओके, सब कुछ ओके हो गया, गाड़ी की बॉडी की बात करता है। काफ़ी सारे जो मेरे पास क्लाइंट आते हैं वो ये बोलते हैं कि भाई इंजन ओके कर दो आप गाड़ी में, बॉडी में कुछ मत करो। मैं बता देता हूँ, अगर आपकी गाड़ी का आगे का व्हील या पीछे का व्हील जाम होगा या फिर हवा कम होगी दोनों टायरों में किसी में भी, तो भी आपकी मोटरसाइकिल में माइलेज की प्रॉब्लम आएगी और प्लग जो काला निकलेगा आपकी गाड़ी में बहुत ज़्यादा, और हो सकता है आपकी गाड़ी में क्लच की प्लेटें भी बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाएं। तो ये चीज़ पे आपको फोकस भी बहुत ज़्यादा करना पड़ सकता है। ये छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, आपके अपने दिमाग से आपको ये निकालना पड़ेगा कि E20 पेट्रोल डलवाने से मेरी गाड़ी की माइलेज में फ़र्क आया है। हाँ, कितने लोग हैं जो E20 पेट्रोल आने से आपकी मोटरसाइकिल में माइलेज में फ़र्क आया है, कितने लोग ऐसे हैं जो एग्री करते हैं इस चीज़ को, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मैं समझना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। और हाँ, आपके ओपिनियन से क्या कहना चाहोगे कि E20 पेट्रोल ज़्यादा बढ़िया है या फिर पहले जो पेट्रोल आता था वो ज़्यादा बढ़िया है। वैसे बर्निंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूँ तो मुझे पहले वाले पेट्रोल को, बर्निंग प्रोसेस को मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है एज़ कम्पेयर टू अभी वाला पेट्रोल। उसमें बर्निंग प्रोसेस थोड़ा सा मुझे स्लो लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि जो पहले इंजन खुलते थे ना वो बहुत ज़्यादा ड्राई थे, बहुत ज़्यादा सूखे थे, पर अगर पिस्टन का वॉल का एरिया देखा जाता था। पर जो अभी मैं देखता हूँ ना गाड़ियाँ जो नई नई आ रही हैं, BS6 आ रही हैं जो गाड़ियाँ, उनमें जो हेड में जब खोल के देखता हूँ और उसका जो वॉल वाला एरिया खोल के देखता हूँ, उसको देखता हूँ तो बहुत ज़्यादा गीला गीला मुझे फील आता है उसके अंदर, गीला गीला, जैसे कार्बन बहुत ज़्यादा गीले गीले। अब ऐसा ये सच में E20 पेट्रोल की वजह से है या फिर कोई मिथ है, मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ इस चीज़ का मैं लेकर। अगर आप एक मैकेनिक हो और आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो एक बार आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हो कि E20 वाला पेट्रोल से ज़्यादा अच्छा कौन सा पेट्रोल है, वो वाला या E20 वाला ही पेट्रोल ज़्यादा अच्छा है। बाकी अगर आपकी गाड़ी में कोई परेशानी आ रही है माइलेज से रिलेटेड और वो सही नहीं हो पा रही है, आप BS6 गाड़ी को भी लेके परेशान हो बहुत ज़्यादा, वो भी ठीक नहीं हो पा रही है, तो अपनी गाड़ी में जरूर चेक करा लें। उसके बाद हम बात करते हैं कार्बोरेटर की गाड़ी में। तो जितने भी मैंने आपको पॉइंट बताए हैं सेंसर को साइड करते हुए, सिर्फ और सिर्फ सेंसर को साइड करते हुए, वो सारे पॉइंट जितने भी हैं वो आप कार्बोरेटर वाली गाड़ी में अप्लाई कर सकते हो। इंजन के टैप किट हो गए, व्हील वगैरह, ये सब फ्री होना चाहिए। उसके अलावा एक पॉइंट और ऐड कर सकते हो, वो है कार्बोरेटर की ट्यूनिंग और कार्बोरेटर के जेड का सही तरीके से क्लीन होना, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके बाद ही आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की सेटिंग अच्छे से हो पाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ, अपनी मोटरसाइकिल में जितने भी इलेक्ट्रिकल पुर्जे होते हैं उनके कपलर सही तरीके से फिट कर लेना अगर आपको लगता है इलेक्ट्रिकल पुर्जे बहुत ज़्यादा लूज हैं तो। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।